हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9, जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फोर ट्रांजेक्शन की वन है, जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। एक बार बेसिक रूल को समझ लेते हैं। देखिए, गोल्डन रूल से मैंने आपको बताया कि एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न और लॉसेस इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन, ये आपके इंक्रीज हो रहे हैं आप क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो रहे हैं डेबिट कर दीजिए। अब इसके बाद करते हैं अपनी पहली जर्नल एंट्री। तो पहली जर्नल एंट्री में बता रखा है सोल्ड गुड टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस 62,000 रुपीज 60,000। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में, दिलीप को 62,000 रुपीज के गुड 60,000 में बेच दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो मार्च 22 की 2023 आप ईयर लिख लीजिएगा। तो एंट्री होगी दिलीप डेबिट, दिलीप हमारा डेटर है, टू करके मेंशन करेंगे टू सेल्स अकाउंट। बिजनेस में क्या हुई है, सेल्स हुई है, सेल्स इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। 60,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 60,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड सोल्ड टू दिलीप ऑन क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें गिवन है परचेस गुड कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे परचेज हुई है 2 लाख रुपीज की हरी एंड कंपनी से, 75% अमाउंट इमीडिएटली चेक के थ्रू पे कर दिया गया है, 4% का क्या है डिस्काउंट मिला है, मतलब कि कैश डिस्काउंट मिला है। अब देखिए इसको एक बार वर्किंग नोट्स के थ्रू समझते हैं। लिस्ट प्राइस बता रखा है 2 लाख रुपीज है, 75 अमाउंट पेड कर दिया गया चेक के थ्रू, तो 2 लाख का 75% अमाउंट जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 1,50,000 आएगा। इस पर 4% का कैश डिस्काउंट मिला है, तो 1,50,000 का 4% कैलकुलेट करने से करने पर आपके पास 6,000 आएगा कैश डिस्काउंट है। अब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट जो हमें देना है वो है 1,50,000 में 6,000 माइनस करेंगे तो 1,44,000 रुपीज का अमाउंट हमें देना है। अब चलिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को इसकी जनरल एंट्री करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी इसकी वो होगी मार्च 16 लिखते परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू करके आप मेंशन करेंगे टू हरी। अब देखिए परचेज कितने की थी, 2 लाख रुपीज की, डिस्काउंट कितने का दिया हमें 6,000 रुपीज का, हमने कितना उसको दिया है बैंक अकाउंट में चेक के थ्रू 1,44,000 रुपीज दिए हैं और अभी भी हरी को हमें 50,000 की पेमेंट करनी है। नरेशन आप लिखेंगे यहाँ पे, नरेशन होगी गुड परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन कैश पेमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री है सोल्ड गुड टू विशाल ट्रेडर 40,000 एट 20% प्रॉफिट अलाउंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट रिसीव 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। चलिए इसको भी वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं। देखिए टोटल गुड्स है 40,000 रुपीज के, 25% के प्रॉफिट बेचे तो 40,000 का 25% का प्रॉफिट होता है 10,000, तो मतलब टोटल जो सेल मानी जाएगी वो 50,000 की मानी जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ है कि 80 लेस करना है आपको ट्रेड डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 50,000 रुपये का 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 आएगा। अब एक्चुअल में जो सेल मानी जाएगी आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट वो 45,000 की होगी। इसका हमें 80% अमाउंट रिसीव हो गया चेक के थ्रू, तो 45,000 का 80% कितना होता है 36,000 होता है, जिसपे हमने कि कैश डिस्काउंट दिया कितना 10%, तो 36,000 का 10% कितना होता है 3,600 रुपीज होता है, तो इसमें हमने कैश डिस्काउंट दिया है। तो 36,000 माइनस कर देंगे 36,000 में 3,600 माइनस कर देंगे तो ये बस 32,400 आएगा। तो इतने का क्या है, इतने का हमने कैश डिस्काउंट दिया है, ये आपका 32,400 क्या है कि इतने के इतना हमें 32,400 इतना अमाउंट हमें मिला होगा आफ्टर द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो हमने 3,600 का दिया है, हमें हमारा जो अमाउंट मिला होगा वो 32,400 होगा। अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, विशाल ट्रेडर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक के थ्रू हमारे पास 32,400 आया, डिस्काउंट हमने 3,600 का दे दिया, 9,000 अभी भी हमें विशाल से लेने हैं, टोटल सेल थी आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट 45,000 की। आप नरेशन लिखिएगा गुड सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउ ऑन कैश पेमेंट। इसके बाद लास्ट जनरल एंट्री हमारी सोल्ड गुड टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग 50,000 एट 40% प्रॉफिट अलाउंग 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट, ब्रिज एंड कंपनी पेड द फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। अब देखिए किस तरीके से होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे लिस्ट प्राइस है 50,000 का, 40% का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 होता है, 50,000 प्लस 20,000 70,000 हो जाएगा, लेस कीजिए 10% ट्रेड डिस्काउंट तो 70,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 7,000 होगा, जिसको माइनस करके आपके पास 63,000 आएगा। ये 63,000 क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। अब यहाँ पे आप 63,000 क्या आफ्टर द अमाउंट जो ट्रेड डिस्काउंट है ना वो माइनस करके जो अमाउंट है 63,000 का, ये आपका क्या है एक्चुअल में सेल है। अब इस पे क्या है कि फुल अमाउंट पे कर दिया गया है, फुल अमाउंट पे कर दिया गया क्वेश्चन बताया गया, तो हमने उसको 5% का
कैश डिस्काउंट किया है तो 63,000 का 5% कैलकुलेट करने पे 3,150 होगा। इसको आप 63,000 में से माइनस करेंगे 3,150 को, तो माइनस करने पे 59,000 आपका, माइनस करने पे आपके पास जो आएगा 59,850 रुपीज आएगा। तो इतना अमाउंट हमें मिला होगा। इसकी जो जनरल एंट्री है वो सिंपल होगी, सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू करके टू सेल्स अकाउंट। बैंक के थ्रू हमारे पास कितना है, बैंक के थ्रू हमारे पास आया 59,850, डिस्काउंट हमने 3,150 का दिया है और यहाँ पे 63,000 की टोटल सेल थी आफ्टर दी ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद नरेशन लिखिएगा, नरेशन लिखने के बाद यहाँ पर टोटल करना है, टोटल करके आपका डेबिट साइड आएगा 3,68,000 और क्रेडिट साइड भी आपका 3,68,000 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।